गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने सफ़ेद बालों को जड़ से काला कर सकते हैं। गाइज बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है कि आजकल कम एज के अंदर ही आपके बाल जड़ से सफ़ेद होकर उगने शुरू हो जाते हैं। और गाइज एक बार ये प्रक्रिया शुरू हो जाए कि आपके बाल जड़ से सफ़ेद होकर उगने शुरू हो जाएँ तो ये कंटिन्यू होते रहते हैं और जिसके कारण आपके सर पर बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद बाल हो जाते हैं। और गाइज एक बार आपके सर पर बहुत ज़्यादा सफ़ेद बाल हो जाएँ तो आपकी एज देखने में बहुत ही ज़्यादा दिखाई देती है, आपकी पर्सनैलिटी पर इसका बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है और आप इससे बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं। और कई सारी दवाइयों का इस्तेमाल करने के बाद भी आपको इसका सोल्यूशन नहीं मिलता है। सो गाइज आज के इस वीडियो में हम आपके लिए कैसा कारगर नुस्खा बनाने वाले हैं जिनके इस्तेमाल से मात्र कुछ दिनों में ही आप अपने सफ़ेद बालों की समस्या से बिल्कुल ही छुटकारा पा लेंगे। गाइज कुछ चीज़ों की मदद से हम इसे बनाने वाले हैं जो बहुत ही नेचुरल हैं और जिनका बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा आपके सफ़ेद बालों पर और आपके बाल जड़ से काले होकर उगने शुरू हो जाएंगे। बस गाइज आपको करना है कि आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है और इस नुस्खे को सही से समझना है ताकि आप इस नुस्खे को समझ के अपनी इस बड़ी प्रॉब्लम से बहुत ईजिली छुटकारा पा सकें। और गाइज अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सभी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गाइज इन चीज़ों की मदद से हम इन्हें बनाने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास नींबू है और एक कॉफ़ी का पाउच है और एक तीसरी चीज़ हम इसके अंदर ऐड करेंगे जिससे आपका ये नुस्खा बने। सो गाइज आपको सबसे पहले करना है कि आपको एक कॉफ़ी का पाउच लेना है और उसे फाड़ कर एक साफ कटोरी में ऐड कर लेना है। चलिए पहले इसे ऐड कर लेते हैं। ये देखिए गाइज मैंने एक कॉफ़ी का पाउच ऐड कर लिया है। दूसरी चीज़ जो आपको ऐड करनी है वह गाइज नींबू का रस। आपको करना है कि आपको एक लेमन लेना है और उसे आधा काट लेना है और फिर उसका कुछ रस इसके अंदर ऐड कर लेना है। ये देखिए गाइज मैंने काट लिया है। अब आधा चम्मच के बराबर रस इसके अंदर ऐड कर लीजिए। ये देखिए गाइज ये मैंने आधा चम्मच नींबू का रस भी इसके अंदर ऐड कर लिया है। अब गाइज दो चीजें मैंने इसके अंदर ऐड कर ली। अब तीसरी चीज जो आपको इसके अंदर ऐड करनी है वह है गाइज एलोवेरा जेल। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अगर आपके घर में एलोवेरा का पौधा है तो आप उससे भी एलोवेरा निकाल के ऐड कर सकते हैं और नहीं है तो आप रेडीमेड एलोवेरा जेल ऐड कर सकते हैं। आपको करना है कि एक चम्मच के बराबर एलोवेरा जेल भी इसके अंदर ऐड कर लेना है। गाइस जो तीनों चीज़ हम इसके अंदर ऐड किए हैं ये सभी आपके सफ़ेद बालों को जड़ से ख़त्म करेंगी और आपके बाल काले होकर उन्हें शुरू हो जाएंगे। गाइस देखिए हमने तीनों चीज़ें ऐड कर ली हैं तो चलिए पहले इन्हें मिक्स कर लेते हैं फिर आपको बताते हैं कैसे आपको इन्हें लगाना है जिससे आपको इनका रिजल्ट मिल सके। गाइज 30 से कम उम्र में अगर आपके बाल जड़ से सफ़ेद हो रहे हैं तो ये बहुत ही बड़ी समस्या है। ज़्यादा एज होने के बाद अगर आपके बाल सफ़ेद होते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कम एज के अंदर होना ये बहुत ही गलत बात है। इससे आपकी पर्सनैलिटी पर बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। सो गाइज आप इस नुस्खे की मदद से अपने सफ़ेद बालों को जड़ से काला कर सकते हैं। ये देखिए गाइज अब आपका ये नुस्खा बनकर तैयार हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको इसे इस्तेमाल करना है। गाइज आपको करना ये है कि आपको नहाने से आधा घंटा पहले या फिर 20 मिनट पहले अपने बालों में इसे लगाना है। कुछ इस तरह से अपनी फिंगर में लेना है और अपने बालों की जड़ों में अच्छे तरीके से इससे मसाज कर लेनी है। गाइस कोशिश करना कि मसाज करते समय आपके बालों की जड़ों में अच्छे तरीके से समाए। अगर ये जड़ों में समाएगा तभी बहुत ही तेज़ी से वर्क कर पाएगा। सो गाइस आपको करना है कि नहाने से आधा घंटा पहले आपको इसको अपने बालों में लगाना है, मांग निकालते हुए जड़ों में हल्के हाथों से मसाज कर लेनी है और कम से कम आधा घंटे तक इसे लगा रहने देना है। गाइज इससे होगा ये कि आपके बालों की जड़ों में समाएगा और आपके बालों में बहुत ही तेज़ी से वर्क कर पाएगा। जो भी चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड की हैं ये आपके बालों को जड़ से काला करेंगी। अगर आपके बाल सफ़ेद होकर उग रहे हैं और काफ़ी टाइम हो चुका है तो आपके बाल सफ़ेद होकर उन्हें बंद हो जाएंगे। और गाइज यही प्रक्रिया आपको कम से कम एक हफ्ते तक करनी है। हफ्ते में 3 या 4 बार आपको करनी है। 3-4 बार के इस्तेमाल के बाद आप देखेंगे कि आपके बाल जो जड़ से सफ़ेद होकर उग रहे थे वो सफ़ेद होकर उन्हें बंद हो गए हैं, आपके बाल जड़ से काले होकर उन्हें शुरू हो गए हैं। सो गाइज अगर आप भी ऐसी समस्या से परेशान हैं और अपने बालों को जड़ से काला करना चाहते हैं, उन्हें जड़ से काला होते हुए देखना चाहते हैं तो आप इस नुस्खे को ट्राई जरूर कीजिएगा। आपको इसका 100% रिजल्ट मिलेगा क्योंकि हमने इसे ट्राई किया और हमें इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला था। सो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।